Good morning dear students, welcome to lecture 2 of economics. Microeconomics हम कर रहे थे start, जो हमने किया पहले economics का meaning, उसका purpose, economic activities हमारे lecture 1 में. आज हम करेंगे nature and type of economics, rather economies, nature and type of economies. ये बहुत आसान सा concept है, समझिए. If we talk of the nature, we are assuming कि हमारे पास एक कंट्री है इंडिया. अगर इंडिया के अंदर मेजरली या मेजोरिटी बेसिस पे हमारे पास सारी की सारी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होती हैं, सारा का सारा एग्रीकल्चर है, तो हम इसको बोलेंगे एग्रीकल्चरल इकोनॉमी. एग्रीकल्चरल इकोनॉमी. और अगर इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा मेजॉरिटी बेसिस पे मैन्युफैक्चरिंग होती है तो हम इस इकोनॉमी को बोलेंगे इंडस्ट्रियल इकोनॉमी. आई एम रिपीटिंग, इफ इन एन इकोनॉमी द मेजर ऑफ द एक्टिविटीज आर एग्रीकल्चर, देन इट इज टर्म्ड एज एग्रीकल्चरल इकोनॉमी. एंड इफ इन एन इकोनॉमी द मेजर एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग, देन इट इज टर्म्ड एज इंडस्ट्रियल इकोनॉमी. दिस रेफर्स टू द नेचर ऑफ इकोनॉमी, कि एक इकोनॉमी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है या फिर एक इकोनॉमी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है. नेक्स्ट वी विल कम टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज. टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज कैन ऑल्सो बी नोन एज इकोनॉमिक सिस्टम्स. टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज इकोनॉमिक सिस्टम्स. नोट इट डाउन. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. अब मैं आपसे कहूंगा कि हमारे पास एक कंट्री है इंडिया, एंड वी से कि इसके अंदर टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर पहला केस इज गवर्न्ड कंट्रोल्ड ओनली बाय बीएसएनएल, एंड बीएसएनएल इज अ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग. इट इज अ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग. सो ये हमारा कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम है? ये हमारा इकोनॉमिक सिस्टम बन जाएगा सोशलिस्ट. और दिस विल बी कॉल्ड एज सेंट्रली प्लान्ड. दिस विल बी कॉल्ड सोशलिस्ट इकोनॉमी सिस्टम, इकोनॉमी और इकोनॉमिक सिस्टम और सेंट्रली प्लान्ड. सेकेंड, अगर हमारे पास जो बीएसएनएल है वो एक प्राइवेट कंपनी है, वो एक प्राइवेट कंपनी है, और ऐसी ही प्राइवेट कंपनीज लाइक एयरटेल, वोडाफोन, सारी की सारी प्राइवेट कंपनीज टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को कंट्रोल करती हैं, तो ये इकोनॉमी बन जाएगी प्राइवेट इकोनॉमी. इसका दूसरा नाम है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और फ्री इकोनॉमी. और फ्री इकोनॉमी. और इसका फोर्थ नाम है मार्केट इकोनॉमी. इसका फोर्थ नाम है मार्केट इकोनॉमी. मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में एक सिर्फ गवर्नमेंट कंपनी है या दो गवर्नमेंट कंपनीज हैं तो वो बन जाएंगी सोशलिस्ट या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, और अगर हमारे पास सिर्फ प्राइवेट कंपनीज हैं तो वो बन जाएगी हमारी प्राइवेट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी. अब हमारे पास आता है केस नंबर थ्री. अब ये जो थर्ड केस है उसमें क्या है कि हमारे पास बीएसएनएल प्लस एयरटेल, यानी कि ये है हमारी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग और ये है हमारी प्राइवेट अंडरटेकिंग. अगर ये दोनों काम कर रही हैं तो उसको बेटा हम बोलेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी. उसको हम बोलेंगे
मिक्स्ड इकोनॉमी। क्लियर है? तो अब इस एग्जाम्पल और इस इलस्ट्रेशन के बेस पे हम समझते हैं कि तीनों टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज में मेजर फीचर्स क्या होते हैं। इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, पहले साइड बाय साइड तीनों इकोनॉमीज के नाम लिखेंगे जिससे ये जानी जाती हैं, और फिर इसके छोटे छोटे फीचर्स देखते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंस। तो सबसे पहली बेटा मेरे पास आ गई सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, दूसरी मेरे पास आ गई मार्केट इकोनॉमी, एंड द थर्ड वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस। सेंट्रली प्लान्ड वो है जिसके अंदर कंप्लीट कंट्रोल इज ऑफ गवर्नमेंट, कंप्लीट कंट्रोल इज ऑफ गवर्नमेंट। मार्केट इकोनॉमी वो है जिसमें हम मेजर कहेंगे नॉट कंप्लीट, द मेजर कंट्रोल इज इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। And mixed economy is that under which the control is shared by government and private entrepreneurs. Clear? Under centrally planned, the prices are determined by the government, the prices are determined by the government. Under this, the prices are determined by the free flow of market forces, the free flow of market forces. और यहां मार्केट फोर्सेस का मतलब है डिमांड एंड सप्लाई। मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां पे मार्केट फोर्सेस का मतलब है डिमांड एंड सप्लाई। तो जितनी ज्यादा डिमांड और सप्लाई होगी उसी के हिसाब से हमारे प्राइसेस जो है वो डिटरमिन होंगे। अंडर मिक्स्ड इकोनॉमी द प्राइसेस आर डिटरमिन्ड, द प्राइसेस आर डिटरमिन्ड by the free market forces of demand and supply, but they are regulated by government. इसका मतलब क्या है कि prices set तो कर दिए private sector ने, लेकिन अगर वहां जरूरत पड़ती है तो उसको regulate करती है government के price बढ़ाना है या कम करना है। इसका हम examples देखते हैं। सोशली प्लान्ड या सेंट्रली प्लान्ड में हमारे पास आती हैं कंट्रीज लाइक सोवियत यूनियन। मार्केट इकोनॉमी में हमारे पास जो मेजर कैटेगरीज हैं वो है फॉर एग्जांपल यूएसए, और मिक्स्ड का एग्जांपल है इंडिया। तो बात समझिए, अब किसी भी चीज का प्राइस, व्हीट का प्राइस जो है वो डिमांड सप्लाई से सेट हुआ, लेकिन एमएसपी आपने सुना है, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सुना है, राशन शॉप सुना है। तो गवर्नमेंट जो सप्लाई करती है तो वो उस पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए प्राइस को रेगुलेट करती है। ठीक है जी, तो क्या हुआ, डिटरमिन्ड बाय मार्केट बट रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट। अब जिस तरीके से प्राइसेस की बात करी है उसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आएगा रिसोर्स एलोकेशन। हियर इट इज सेम, रिसोर्स एलोकेशन इज डन बाय गवर्नमेंट। हियर रिसोर्स एलोकेशन इट इज डन बाय प्राइवेट सेक्टर। हियर द रिसोर्स एलोकेशन इज डन बाय द कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट एंड
private sector, by the government and private sector. So students, I believe that you have noted it down and you must have understood the meaning of nature of economy and types of economic systems that prevail in around the world. Have a nice day. Thank you.